पाटन विधानसभा क्षेत्र विधायक प्रत्याशी भूपेश बघेल ने दुर्ग इलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन भरा, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद भी रहे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और दिग्गज कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि दुर्ग का किला भेदना भाजपा के लिए आसान नहीं है। और बाकी सारे बाहर निकल चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, नीला जैकेट देंगे कितना। दुर्ग किला भेदना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय उस पिछले के पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। पूरा लगातार आरोप लग रहा है। और क्या है, छत्तीसगढ़ के जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक लोग एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। जुमलेबाजी होकर नाराज होकर नामांकन भरने जा रहे हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया।